मेसी रोनाल्डो नेमार इन द सेम नेशंस लीग भाई, इस पे तो बात होती रहेगी, लेकिन पहले मुद्दे की बात पे आए। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहूंगा कि भाई लव स्टोरी ना वन वे नहीं चलती है, टू वे चलती है, टू वे। ऐसे तो भाई 56% लोग हमें अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो पिछले वीडियो में बोला था तब 53 थे, अब दोबारा बोल रहा हूँ तो 56 हो गए हैं, तो रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। तो भाई अगर अभी यहाँ पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक दिस वीडियो। वैसे तो बाद में बोलता हूँ, लेकिन मैं सोचा पहले डिस्क्लेमर दे दूँ भाई, इफ एनीबडी इज न्यू डू सब्सक्राइब, वी आर वेरी क्लोज टू 4.5K। आते हैं मुद्दे पे भाई, 2024 से मेसी नेमार एंड कंपनी भाई नेशंस लीग में दिखने वाली है। क्यों ऐसा हुआ, 2 साल का वर्ल्ड कप का इसमें क्या रोल है, और कह सकते हो क्या फायदे होंगे, और क्यों ये लोग 2 साल के वर्ल्ड को अपोज कर रहे हैं, सारा डिस्कस करेंगे भाई इस वीडियो में, और आपको समझाएंगे कि कैसे काम करने वाला है। तो वही शुरू करते हैं। कॉन्मेबॉल और यूईफा ने दोनों ने हाथ मिला लिए, पर थोड़ा सा और छानो, थोड़ा सा छानबीन और करो। इसमें फायदे तो बहुत हैं फैंस के, वो उसी की बात करेंगे हम मेनली, बट देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू बोथ द एसोसिएशन एज वेल। बट फैंस की बात करनी जरूरी है, आई थिंक उससे ही स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि फैंस विल नाउ गेट अ नॉट अ मीनिंगलेस नेशंस लीग, एक मीनिंगलेस नेशंस लीग नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि हम नेशंस लीग में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। हाँ, उन्होंने फ्रेंडलीज को उन्होंने एक ट्रॉफी में कन्वर्ट कर दिया, फ्रेंडलीज को अब एक और सिग्निफिकेंस दे दी, बट इन ऑल ऑनेस्टी अब फैंस हो गए, प्लेयर्स हो गए, प्लेयर्स में भी यू डोंट सी दैट सेम डिजायर। चाहे फ्रांस ने जीता, पोर्टुगल, दोनों ने जीता है नेशंस लीग, बट वो डिजायर नहीं दिखती कि वो नेशंस लीग में, क्योंकि यार कंपटीशन एक तो समझ नहीं आता, ऊपर से कंपटीशन इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर टाइप्स ऑफ कंपटीशन। वर्ल्ड कप उठा लो आप, यूरोज उठा लो आप, कोपा अमेरिका उठा लो, आपको सब समझ में आते हैं, देर वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। नेशंस लीग हर बार एक तो ग्रुप्स अलग होते हैं, हर बार ग्रुप्स अलग होते हैं, हर बार कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होता है, बट आई थिंक दिस स्ट्रक्चरल चेंज इज द मोस्ट वेलकम, क्योंकि अब क्या होगा भाई कि जो नेशंस लीग में चार लीग्स होती हैं, लीग ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू द सीडिंग्स रैंकिंग जो होती है आपकी यूईफा में, अब क्या होगा 10 टीम्स आ रही हैं फ्रॉम द कॉन्मेबॉल एसोसिएशन, दे विल बी कमिंग टू द नेशंस लीग, दे विल बी प्लेइंग इन द नेशंस लीग, और वो उसमें से 10 टीम 6 जो टीम होंगी वो लीग ए ज्वाइन करेंगी, जिस विच इंक्लूड्स द बिग बिग गन्स, जो सारे आपके फ्रांस, पोर्टुगल, स्पेन, इटली, सारी जो बिग गन्स हमारी, इंग्लैंड भी है बिग गन्स, उनको ब्राजील एंड अर्जेंटीना इनको ज्वाइन करेंगे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो मेसी, नेमार, एम्बापे अभी साथ खेल रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर इन यूरोप रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। सो भाई बहुत एंटाइसिंग प्रोस्पेक्ट है, सेम गोज विद रोनाल्डो एज वेल। तो यूरोगुआई वर्सेज जो हमारे को पोर्टुगल देखने मिला था वर्ल्ड कप में, फ्रांस वर्सेज अर्जेंटीना देखने को मिला था, वो खाली वर्ल्ड कप फिक्स्चर नहीं रह गया, नाउ दैट विल बिकम अ नेशंस लीग फिक्स्चर इन इटसेल्फ। ये प्लान इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू टेक प्लेस, अभी बस ये पता है कि 10 टीम्स आ रही हैं, कोई क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे उनको किस बेसिस पे अलॉट करेंगे, क्योंकि यूईफा की तो रैंकिंग्स होती हैं भाई, कॉन्मेबॉल की रैंकिंग्स यहाँ तो फिट करेंगी नहीं, तो व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ गिविंग देम ग्रुप्स, कैसे कंपीट करेंगे, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अभी बहुत डिसाइड होने को, क्योंकि अभी 2 साल से ज्यादा है टूर्नामेंट के आने में, 2000 अभी जो उनका एमओयू साइन हुआ है 2024 में, दैट विल बी द टूर्नामेंट विच फॉर द फर्स्ट टाइम विल फीचर बोथ कंट्रीज फ्रॉम बोथ यूईफा एंड कॉन्मेबॉल, बट अभी तक तो जो करंट नेशंस लीग है इट विल कैरी ऑन इट्स इन इट्स नॉर्मल फॉर्म। वैसे अब देखो मेसी और रोनाल्डो प्लेइंग इन 2024 मुश्किल है, बट यू आई विल नेवर पुट पास्ट देम टू स्टिल कीप फायरिंग इन द 2024 एडिशन अगर वो खेलते हैं तो। वैसे भाई अगर आप एक ट्रेंड देखो तो कॉन्मेबॉल और यूईएफए में बहुत कह सकते हो भाईचारा चल रहा है, क्योंकि अभी आप देखो इटली वर्सेस अर्जेंटीना मैच होने वाला है जिसको फाइनलिस्मा का नाम दिया, 1 जून को लंदन में होगा भाई, एक वो इवेंट है, उसके बाद फिर एक एमओयू जिनका साइन हुआ है 2028 तक, 2024 में साथ में खेलेंगे। तो भाई ये सारी जो न्यूज़ आ रही है, सारी जो कह सकते हो सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये जब से 2 साल के वर्ल्ड कप की न्यूज़ आई ना तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वैसे अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि मतलब होने ही वाला, लेकिन यूईएफए के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जिग्नी न्यू बोनियक, मैंने नाम की बात कर दी होगी तो रियली सॉरी, इन्होंने कंफर्म कर दिया एक पोलिश मीडिया में कि भाई हाँ होने वाला 2024 से कॉन्मेबॉल की नेशंस आके खेलेंगी। भाई जैसे मैंने बताया फाइनलिस्ट वो इटली वर्सेस साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन टीम्स प्लेइंग इन द नेशन लीग, किसने सोचा था, लेकिन ऐसा भाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है कॉन्मेबॉल और यूईएफए के अगेंस्ट द 2 ईयर वर्ल्ड कप। तो भाई अगर आप सोच रहे हो भाई क्या नुकसान क्या है, क्यों ये इतने अपोज कर रहे हैं, कि हाँ ठीक है फैंस तो अपोज कर ही रहे हैं, क्योंकि एक तो जो वर्ल्ड कप का चार्म है जो हर 4 साल में होता है वो खत्म हो जाएगा अगर आप हर 2 साल पे कराने लगोगे, प्लस आपके कोपा अमेरिका होता है, आपका यूरोस होता है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे आप। तो मेन जो कंसर्न है ना वो कहीं ना कहीं इन दिस मॉडर्न डे बॉल्स डाउन टू द मनी, क्योंकि बाइनियल वर्ल्ड कप ना जो डोमेस्टिक लीग है जो यूईएफए है, क्योंकि ऑब्वियसली यूईएफए को बहुत सारे पैसे मिलते हैं भाई डोमेस्टिक लीग से, उनका भी शेयर होता है यूईएफए चैंपियंस लीग फॉर दैट एग्जांपल, तो उसमें 8 बिलियन का लॉस होगा टीवी राइट्स को अगर 2 साल में वर्ल्ड कप होने लगे, क्योंकि उनको अपने जो अरेंजमेंट्स हैं उनको बदलना पड़ेगा, अपने कमर्शियल अग्रीमेंट्स को बदलना पड़ेगा, तो जो लॉस बताया जा रहा है
एक कमीशन ने स्टडी किया है, इस अराउंड 8 बिलियन, और ये कि 2 साल के वर्ल्ड कप आने से सबको नुकसान होगा, ए टू जेड एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फुटबॉलिंग कैलेंडर विल हैव अ लॉस। तो भाई हमारे लिए तो डेफिनेटली, अब चाहे हुक भाई क्रुक क्रुक, ये अगर इनके पैसे जा रहे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 साल में अगर वर्ल्ड कप ना हो तो मेरे ख्याल से हर फुटबॉल फैन उस पर एग्री करेगा। विंगर साहब की थोड़ी सी रिस्पेक्ट चली गई यहाँ पे मेरी लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों इतना एडवोकेट कर रहे हैं वो 2 साल का वर्ल्ड कप। और बिफोर कंक्लूडिंग है कि मुझे वो छेत्री सर की बात याद आती है, उन्होंने बोला, उनकी बात मैं अग्री करता हूँ कि उन्होंने बहुत सही बात बोली थी कि फॉर अ नेशन लाइक इंडिया बी ड्रीमिंग प्लेइंग इंडियन इन द वर्ल्ड कप, तो ये बात सही थी कि भाई अगर वर्ल्ड कप हर 2 साल पे कराओगे तो चाम चला जाएगा, लेकिन एक जो नेशन जैसे इंडिया है, जो बाकी नेशन जो नहीं क्वालिफाई कर पाते वर्ल्ड कप के लिए, जिनका ड्रीम है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना, उनके लिए नंबर ऑफ चांसेस डबल हो जाएंगे। लेकिन जस्ट टू ऐड टू द पॉइंट, मेरे ख्याल से डिफिकल्टी तो उतनी ही रहेगी, आप अगर 4 साल में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो तो 2 साल में हाँ एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाएगी, लेकिन आप क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाती है, वाली बात है ना, जो नेशंस पहले क्वालिफाई की वही क्वालिफाई करेंगे, ऐसा नहीं इंग्लैंड अगर एक बार क्वालिफाई करी तो अगली बार नहीं करेगी, या सैन मेरिनो अगली बार क्वालिफाई कर जाएगी इंग्लैंड की जगह, तो मेरे ख्याल से वही सिचुएशन है भाई, आप लोगों का ख्याल है इस पर। मेरे ख्याल से इट्स अ वेलकम डिसीजन भाई, मैं तो देखना चाहूंगा, बेहतरीन फिक्चर होगा भाई लेजेंड लीग में, तो देखने मजा आने वाला है। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है तुम्हारे इस पर? यार कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात करूं तो द बिगेस्ट थिंग इज कि यार प्लेयर्स के लिए आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज एज वेल। प्लेयर्स की हमने बात नहीं की, वी टॉक्ड अबाउट द फैंस, वी टॉक्ड अबाउट द एसोसिएशन, जो उनका मॉनेटरी बेनिफिट है, कायदे की बात कही उत्कर्ष ने कि मॉनेटरी बेनिफिट इज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूव। इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई फैंस को अच्छा लगेगा, फैंस देखना चाहते हैं मेसी वर्सेस रोनाल्डो इन द इन ऑन द यूरोपियन स्टेज, बट द बिगेस्ट थिंग इज यार कि प्लेयर्स के लिए आप देखो तो प्लेयर्स के लिए जो पूरा चेंज सजेस्ट हो रहा था, इट वुड हैव बिकम मोर क्रैम्प्ड फॉर देम, क्योंकि बात तो सर आर्सेन वेंगर ने सही की थी, एक बात सही की थी कि जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल ब्रेक्स है वो बड़ा ब्रेक मिल जाएगा आपको इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल ब्रेक्स थ्रू आउट द विंडो, बट बात फिर वही घूम फिरा के आती है ना कि आपने जब ऑलरेडी नेशंस लीग एस्टैब्लिश किया, फिर आप वर्ल्ड कप लाना चाहते हो, तो आप एग्जिस्टिंग टूर्नामेंट्स की ऐसी तैसी धज्जियां से उड़ा रहे हो। आपने यूरोस का क्या होता, कोपा अमेरिका का क्या होता, वर्ल्ड कप तो चलो 2 साल में होता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लान इन फोर्स कि आप यूरोस की इंपॉर्टेंस प्रिजर्व कर रहे हो, आप कोपा अमेरिका की इंपॉर्टेंस प्रिजर्व कर रहे हो, वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंस तो कहीं जा नहीं रही, नेशंस लीग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यार आपको यू विल सी प्लेयर्स फाइटिंग फॉर इट मोर फॉर द नेशंस लीग, बिकॉज यार कुछ है यार इसमें, दिस टेक्स मोर हार्ड वर्क टू विन नाउ। अब आपका ये नहीं है कि बस खाली टॉप यूरोपियन नेशंस जो इजी ग्रुप्स में ड्रॉन थे, नाउ इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेरी टफ फाइट, एंड इसको जीतने का ज्यादा वेटेज होगा हमारे को। होपफुली वी सी नो मोर बैलेंडोर्स फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल, कोई साउथ अमेरिका प्लेयर्स आके यहाँ पे प्रॉस्पर करे तो उनके चांसेस बढ़े, ऐसा ना हो कि भाई हम खाली यूरोस को ही ज्यादा वो दे रहे हैं वेटेज या वर्ल्ड कप को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। तो लॉट मोर थिंग्स टू सी, लॉट मोर यंगस्टर्स टू सी एज वेल। सो ऑन दैट नोट, जैसे जाते 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 जस्ट अ पॉइंट टू ऐड, ये ख्याल से ये मतलब होने वाला है ये, तो अगर होता है तो जो डिबेट चलती है ना मेसी रोनाल्डो फैंस की, भाई रोनाल्डो यूरोपियन टीम्स के खिलाफ गोल मारता है एंड साउथ अमेरिकन टीम्स बेटर है, तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट भाई, एक ही डिबेट इस नेशन लीग से खत्म हो जाएगा भाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन एज वेल, हम लोग बहुत सारी लाइव स्ट्रीम करते हैं, और भाई अगर आप नए, मैंने पहले ही कहा था, प्लीज सब्सक्राइब एज वेल, एंड कैच यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।